iPhone 6s। आज मैं दोस्तों करने वाला हूँ इसका कैमरा टेस्ट। इसका जो दोस्तों बैक कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल और इसका जो दोस्तों फ्रंट कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल। दोनों का अपर्चर सेम है f2.2 और इसका जो बैक कैमरा है वो है 29mm के साथ और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो दोस्तों आता है 31mm के साथ। तो दोस्तों जो इसका फ्रंट कैमरा है उससे आप शूट कर सकते हो मैक्सिमम 720p 30fps तक और जो इसका बैक कैमरा है उससे आप शूट कर सकते हो मैक्सिमम 4K 30fps तक। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन इसका कैमरा है, काफ़ी लोग आज की डेट में भी इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और इसको लॉन्च हुए हुए दोस्तों तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। तो इसका मैं करने वाला हूँ कैमरा टेस्ट। सबसे पहले इसका करूँगा बैक कैमरा टेस्ट एंड देन इसका फ्रंट कैमरा टेस्ट। तो इसके जो बैक कैमरा से मैं सैंपल्स लूँगा दोस्तों वो लूँगा मैं मैक्सिमम 1080p 60fps पे और इसका जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों उससे भी मैं आपको सेल्फीज के कुछ सैंपल्स वीडियो में डाल दूंगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं iPhone 6s के बैक कैमरा से इसका 1080p 60fps पे वीडियो शूट एंड आफ्टर दैट इसके कुछ फ्रंट कैमरा से सेल्फीज के सैंपल्स एंड फ्रंट कैमरा की कुछ वीडियो के सैंपल्स एंड आफ्टर दैट इसकी जो पिक्चर्स की क्वालिटी है दोस्तों वो मैं कुछ इसके बैक कैमरा से क्लिक करूंगा और उसमें मेंशन कर दूंगा कौन सी पिक्चर इसके फ्रंट कैमरा की है और कौन सी इसके बैक कैमरा की है। ये वीडियो शूट हो रही है दोस्तों iPhone 6s के बैक कैमरा से 1080p 60fps पे, तो आप इसकी डायनामिक रेंज का अंदाज़ा लगा सकते हो एंड इसकी ऑल्सो स्टेबलाइजेशन का भी अंदाज़ा आप लगा सकते हो। तो दोस्तों ये जो वीडियो शूट हो रही है इसके फ्रंट कैमरा से हो रही है 720p 30fps पे, तो आप इसकी स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा लगा सकते हो और इसकी जो डायनेमिक रेंज है उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसका जो दोस्तों फ्रंट कैमरा है वो है सिर्फ और सिर्फ 5 मेगापिक्सल का और ये शूट कर रहा है इस टाइम 720p 30fps पे जो कि इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन। तो दोस्तों ये था iPhone 6s का कैमरा टेस्ट। बात कर लेते हैं इसके बैक कैमरा की, तो इसकी मुझे फोटोज़ और वीडियोस दोनों ही काफ़ी शार्प लगी, काफ़ी अच्छी लगी और जो इसकी जो दोस्तों वीडियोग्राफी है ना वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आज की डेट में भी, और इसकी जो फोटोज़ हैं उनका कलर बिल्कुल नेचुरल आता है, एज इट इज़ ही आता है, तो वो चीज़ मुझे इसकी काफ़ी बेस्ट लगी है। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसकी फ्रंट कैमरा की। इसका जो दोस्तों फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का है, तो दोस्तों काफ़ी डिसेंट कैमरा है वीडियो के मामले में और फोटोज़ के मामले में काफ़ी डिसेंट है, लेकिन जो इसका बैक कैमरा है ना दोस्तों इसका कोई जवाब नहीं है आज की डेट में भी। तो इसका जो बैक कैमरा है 1080p 60fps मैक्सिमम 4K 30fps तक आप इससे शूट कर सकते हो दोस्तों, 4K तक आप इससे शूट कर सकते हो दोस्तों, तो इससे बड़ी बात तो दोस्तों क्या ही होगी। बैक कैमरा से दोस्तों अगर आप वीडियो शूट करते हो 1080p 30fps पे या 60fps पे या 4K 30fps पे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इससे मिलने वाला है एंड इसकी जो दोस्तों फोटोग्राफी है वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आज की डेट में भी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों हमारी वीडियो में बने रहने के लिए।
इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।